बिलारी गुरुवार की सवेरे डाक बंगले के निकट समाजवादी पार्टी के कार्यालय एमआई हाउस के बाहर अधिकारियों का फोर्स के साथ जमावड़ा देख लोग सकते में आ गए। बाद में पता चला कि अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय तोड़े जाने के विरोध में रामपुर में समाजवादी पार्टी द्वारा किए जा रहे आंदोलन में भागीदारी करने जाते समय यहीं रोक दिया गया। बिलारी से रामपुर जाते समय सीसामऊ के सपा विधायक इरफान सोलंकी और बिलारी के सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान अपने समर्थकों के साथ अपने कार्यालय एमआई हाउस पर ही प्रशासन ने रोक दिया। इस दौरान एसडीएम कुमार पंकज, सीओ महेंद्र कुमार शुक्ल, कोतवाली प्रभारी गजेंद्र त्यागी, एसआई राजाराम सिंह, नगर चौकी प्रभारी संदीप बालियान आदि में फोर्स के मुस्तैद रहे। क्या कोई ऐसी हम लोग को भी जाना है राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश, हम लोगों को ये आदेश प्राप्त हुआ है कि आप लोगों को रामपुर ऐसा मैं अभी अच्छा हम लोग जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर भी माइंड सारे कार्यकर्ता भी प्रिपेयर है। अच्छा 8-10 गाड़ियाँ पीछे भी खड़ी हैं, रोक दी गई है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं जाने कोशिश नहीं कर रहे थोड़ा सा हमारी नहीं त्यागी जी आप भी मान लीजिए, थोड़ा आप भी नूरा कर लीजिए हमारे साथ, थोड़ा आप भी चलिए हमारे साथ, थोड़ा आप भी चलिए, थोड़ा आप भी पसीना भाई। कौन रोक रहा है आपको? मामला तो पूरी दुनिया जानती है, योगी बाबा की गुंडाई चल रही है। जिस तरह हम समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान कर रहे हैं, खाकी वर्दी वाले किसी से छुपा नहीं है। कल आजम खान साहब, फिर अब्दुल्ला, आज समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को पुलिस जो है योगी जी के एक एजेंट की तरह काम कर रही है। प्रजातंत्र में हमें पूरा इश्तेहार है कि हम अपना धरना प्रदर्शन करें और हमने शांतिपूर्वक करें। आपने अपने कैमरे में कैद भी करा होगा, सुबह आ गए हमें निकलने नहीं दे रहे हैं। इसी को कहते हैं प्रजातंत्र में तानाशाही, और इसका हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। और याद रखना एक बात, जुर्म जितना भी बढ़ेगा एक दिन जुर्म खत्म होके